नमस्कार दोस्तों, यंग स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे गेन कंट्रोल वर्सेस मास्टर कंट्रोल के बारे में। आपने एम्पलीफायर के अंदर आप देखे होंगे ऐसे नॉब्स रहते हैं जिसको आप साउंड बढ़ाने के लिए जनरली यूज करते हैं। हम सोचते हैं कि इससे साउंड बढ़ जाएगी। ये मास्टर कुछ किस जगह पर लिखा रहता है, किसमें गेन लिखा रहता है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, तो ये क्या है? मास्टर वॉल्यूम क्या है, गेन क्या है, उसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। इससे क्या होता है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और वही बोलेंगे कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए बात करते हैं गेन कंट्रोल के बारे में। पहले बात करते हैं गेन क्या होता है। अगर आपने गेन कंट्रोल करते हैं तो आपकी जो एम्पलीफायर की प्री एम्प स्टेज होता है, मतलब पहले जो एम्पलीफायर जो पहला स्टेज होता है प्री एम्प स्टेज, उसी सेक्शन कितनी ज़ोर से आप बजाना चाहते हैं वो है। इससे क्या होती है कि आप अगर सेटिंग बढ़ा देते तो डिस्टॉर्शन की लेवल बढ़ जाती है आपकी टोन पे। टोन क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। चाहे आप फाइनल स्टेज पे जितना भी आपने वॉल्यूम सेट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने गेन ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपकी जो टोन रहेगी, जो वोकल रहेगी या जो भी आपने सपोज माइक्रोफोन लगाया उस वो बहुत हार्ड हो जाएगी। तो उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अब देखिए मिक्सर में आपको देखे होंगे ऐसे एक वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, तो जो वॉल्यूम कंट्रोल रहता है अगर इसको गेन बोला जाता है। ये गेन इसको अगर आप ज़्यादा बढ़ा दिया, माइक्रोफोन लगाया और यहाँ पे इसको गेन को ज़्यादा बढ़ा कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? जो भी आपकी नॉइज रहेगी, माइक्रोफोन जो नॉइज खींचा होगा अगर ज़्यादा कर दिया तो वो नॉइज भी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नॉइज आ जाएगी। इसलिए ये जब लाटर स्टेज पर जब ये आगे चलते जाएगा और भी ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही एम्पलीफायर में वही प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको ऐसे करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि गेन बढ़ाने से आपकी साउंड की क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है। अगर ज़्यादा आपने बढ़ा दिया, चाहे मास्टर वॉल्यूम आप कितना सेट करो, अगर गेन पहले से बढ़ा रखा है तो मतलब आपकी क्लैरिटी तो ख़त्म होगी। अब इससे नॉइज़ भी आपकी बढ़ जाती है गेन से, तो गेन से तो वॉल्यूम ओवरऑल वॉल्यूम कंट्रोल तो होता है, लेकिन मेन जो चीज़ होती है इनपुट सिग्नल की जो सेंसिटिविटी है वो समझिए, माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी ये बढ़ाता है। हालांकि मेन चीज़ वो हो इनपुट सिग्नल को बढ़ाता है, वॉल्यूम नहीं बढ़ाता, इनपुट सिग्नल को बढ़ाता है, सिग्नल मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाता है, वॉल्यूम नहीं। तो जिससे अब चलिए उससे क्या होती है, क्लिप आ जाती है। बहुत टाइम पर आप देखे होंगे कि एम्पलीफायर क्लिप पे चला गया बोलते हैं, तो उसी टाइम पर आपको इनपुट को कम करना है। जो इनपुट जा रहा है आपके एम्पलीफायर में उसी को कम करने से आपकी क्लिप कम हो जाएगी, नहीं कि आप वहाँ पे जो ऊपर जो वॉल्यूम बटन है या टोन वो वाला बड़ा कम कर दोगे तो नहीं कम होगा। तो इनपुट सिग्नल कम करोगे तो आपकी क्लिप भी नहीं आएगी। या तो आप फेडर का भी इस्तेमाल, जो फेडर है फेडर या ये वाला जो होता है उस सिग्नल को वो डाउन करेंगे तो वो भी आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल पे आ सकता है। अब मास्टर वॉल्यूम क्या होता है, ये आपकी सेकेंड स्टेज पे आते हैं पावर आर्म स्टेज पे। ये आपकी क्या प्री आर्म स्टेज को कंट्रोल करने के लिए गेन कंट्रोल होता है। मास्टर क्या करता है, आपकी पूरी साउंड की ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाता है मास्टर वॉल्यूम। अब दोनों अलग अलग हो गया, एक तो आपने आपका टोन शेप करता है, साउंड का शेप बनाता है, मतलब कैसा क्लैरिटी आएगा साउंड वो गेन से आपको पता चलता है। गेन आप जिस हिसाब से सेटिंग करेंगे आपका साउंड का क्लैरिटी उसी हिसाब से आएगी, लेकिन जो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा वो जो साउंड आता है वो आता है आपकी पावर सेक्शन पे। तो अभी आप देख लीजिए मास्टर मतलब होता है दोनों, आपकी गेन और वॉल्यूम दोनों इससे कंट्रोल होती है मास्टर वॉल्यूम से। अब लेकिन देखिए इसमें आपको क्या होता है, इसमें गेन कंट्रोल होती है, इसमें पावर कंट्रोल्स नहीं होती है, इसमें आपकी इनपुट सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कंट्रोल होते हैं गेन से। तो अभी आपको पता, मास्टर जो होता है वो ओवरऑल आपकी साउंड बढ़ाती है, बोथ गेन एंड मास्टर वॉल्यूम। तो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, गेन आपका काम करता है आपकी साउंड की क्वालिटी और मास्टर वॉल्यूम आपकी स्ट्रेंथ देता है, जो कि बूस्ट देता है आपको स्पीकर तक, आपकी पावर जो पावर है वो थ्रो करता है मास्टर वॉल्यूम। और दोनों वो करता है मास्टर और गेन एंड वॉल्यूम दोनों कंट्रोल करता है मास्टर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर आप बात करेंगे तो वो आपकी जो होते ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और गेन जो होता है वो इनपुट सिग्नल की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जो कि हमने बात किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई डाउट है फिर भी तो आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।
और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कम से कम करिए।